दोस्तों, अगर आप भी अपने वीडियो में कैप्शन लगाना चाहते हैं, मतलब जो आप बोल रहे हैं वो आपके वीडियो में लिखता हुआ दिखे, कैप्शन वाला वीडियो देखने में काफी अमेजिंग लगता है, तो आप भी अपने वीडियो में कैप्शन लगा सकते हैं। बट कैसे, ये वीडियो एंड तक जरूर देखें, कैप्शन लगाना सीख जाएंगे। सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। ओपन करने के बाद क्लिप चैम्प सर्च करना है। यहाँ फर्स्ट में आ रहा है, इसको सर्च कर देंगे। फर्स्ट वाला वेबसाइट है, इस पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ साइन इन का बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देंगे। अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो लॉगिन कर लेना है अपने ईमेल आईडी से। खुलने के बाद इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। आपको ऊपर में दिख रहा होगा क्रिएट ए न्यू वीडियो, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। आपको ऊपर कॉर्नर में दिख रहा होगा इम्पोर्ट मीडिया, इस पर क्लिक करेंगे। नीचे आपको मीडिया पिकर पर क्लिक कर लेना है। आपको जिस वीडियो में कैप्शन लगाना है वो वीडियो आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपको जिस वीडियो में कैप्शन लगाना है वो वीडियो सेलेक्ट कर लेना है। अब थोड़ा सा जूम करना है और इस वीडियो पर क्लिक करके प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे, आपका वीडियो बीच में आ जाएगा। अब आपको इधर आ जाना है, एक्सपोर्ट के नीचे आपको कैप्शन लिखा हुआ दिख रहा होगा, यहाँ क्लिक कर देंगे। अब आपको टर्न ऑन ऑटो कैप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ आपको जिस लैंग्वेज में कैप्शन चाहिए वो लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे मुझे हिंदी में चाहिए तो मैं हिंदी यहाँ सेलेक्ट करूँगा, हिंदी इंडिया। तब ट्रांसक्राइब मीडिया पर क्लिक कर देंगे। अब हमारा जनरेट हो रहा है कैप्शन, आप देख ही सकते हैं कैप्शन जनरेट हो चुका है। दोस्तों, आप यहाँ चालू करके इसको देख सकते हैं। दोस्तों, बहुत जल्द ही एक मतलब कि कुछ सेकंड्स में, जैसे 20, 30, 40 सेकंड में, जितना लंबा वीडियो रहता है उसके अनुसार ये कैप्शन निकाल कर आपको दे देता है। यहाँ चालू करके देख लेंगे, आप देख सकते हैं जो लिखा हुआ है नौबत, इसको आप ऊपर कर लेना है। इसको इस पर क्लिक करके आप इसको जहाँ चाहें वहाँ कर सकते हैं। साइज बड़ा हो गया, इसको छोटा कर सकते हैं। बीच में आ गया, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ताकि दिखे। यहाँ से आप इसको जिस उधर चाहें उधर कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जिस कलर में चाहें आप ये ले लेते हैं, इस तरह का कलर हो जाता है। फिर आप यहाँ से और कोई कलर चेंज कर सकते हैं इसका, आप जिस कलर में लेना चाहें वो कलर में यहाँ से ले सकते हैं। इस तरह का हो जाएगा। इतना करने के बाद इस पर फिल्टर विल्टर कुछ भी यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से करने के बाद यहाँ एक्सपोर्ट आपको दिख रहा होगा ऊपर कॉर्नर में, इस पर क्लिक करने के बाद इसमें से आप जो चाहें 1080 या 720 या 4K, जिसमें चाहें आप उसमें निकाल सकते हैं। तो मैं 1080 पे हाई क्वालिटी में निकालूंगा। यहाँ क्लिक करने के बाद आपका इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है और यहाँ से ये जनरेट होता है। जनरेट होने के बाद आपके फाइल में ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है। डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, यहाँ डाउनलोड अगेन कर देंगे, वीडियो हमारा फाइल में आ गया। आप चाहें तो फाइल में अपना जाकर वीडियो चेक कर सकते हैं। देख रहे हैं, इस तरह का ऑप्शन आप भी अपने वीडियो में लगा सकते हैं।